परिणाम आ रहा है, क्या कहेंगे अभी? बहुत अच्छा आ रहा है, देखिए जो भी होगा जनता के हित के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए भवानीपुर घुसा है। अभी रुपोली जो है ना अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी बाकी है, बहुत राउंड बाकी है, इसलिए अभी कुछ नहीं कर सकते। क्या उम्मीद है? उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। अभी तक जो भी परिणाम सामने आया है बहुत अच्छा आया है, और अभी आगे का भी राउंड बाकी है, जनता के हित में हो रहा है जो भी हो रहा है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। ये सारी बातें कहनी है राजद के प्रत्याशी बीमा भारती की। दरअसल आपको बताते चलें कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव का काउंटिंग जारी है, 5 राउंड जो है पूरे हो चुके हैं। एक तरफ जहां जदयू के कलाधर मंडल सबसे आगे चल रहे हैं, तो वहीं बीमा भारती काफी पीछे चल रही हैं। बीमा भारती काउंटिंग सेंटर में पहुंचती हैं, और काउंटिंग सेंटर पर जैसे ही बीमा भारती पहुंचती हैं, उनसे मीडिया सवाल करता है, उस पर कहती हुई नजर आती हैं कि हम जीत रहे हैं। जहां तक अभी वोट की गिनती हुई है, वहां प्रत्याशी लीड करने की बात है, तो उनके क्षेत्र में अभी तक नहीं खुला है, इस वजह से वो पीछे चल रही हैं। जल्द ही बाजी मारेंगी और आने अब उनकी जीत जो है वो तय है। एक तरफ जहां बीमा भारती ने कहा है कि अभी तक जो काउंटिंग के जो रिजल्ट सामने आए हैं, यानी 5 राउंड के जो काउंटिंग हुए हैं, उस काउंटिंग में अभी भले ही वो पीछे चल रही हैं, लेकिन उनके इलाके का भी जो है वो काउंटिंग पूरा नहीं किया गया है, और अब आने वाले काउंटिंग में वो जरूर आगे आएंगी और जीत भी हासिल करेंगी। चलिए हम आपको बीमा भारती की उन बातों को सुनवाते हैं। पहले विधानसभा उपचुनाव के काउंटिंग को लेकर तो क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रही है बीमा भारती, खुद ही आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे अभी? बहुत अच्छा रहा है, देखिए जो भी होगा जनता के हित के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए भवानीपुर घुसा है। अभी रुपोली जो है ना अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी बाकी है, बहुत राउंड बाकी है, इसलिए अभी कुछ नहीं कर सकते। क्या उम्मीद है आप? उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। पहले विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, 5वें राउंड की गिनती भी खत्म हो चुकी है। 5वें राउंड में भी जदयू का जलवा बरकरार है, हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जदयू उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कलाधर मंडल मात्र 1755 वोट से निर्दलीय प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। जदयू के कलाधर मंडल को 27202 वोट मिले हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को 25445 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि महागठबंधन की राजद प्रत्याशी बीमा भारती 14999 लेकर तीसरे नंबर पर बनी है। वो करीब करीब मुकाबले से बाहर होती हुई नजर आ रही है। 11 प्रत्याशियों में चौथे नंबर पर नोटा है। पूर्णिया के डीएम कुंदन कुमार ने कहा है कि मतगणना को लेकर दो हाल में 28 टेबल बनाए गए, 15 राउंड में मतगणना कार्य संपन्न होंगे, और मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ते व्यवस्था यानी कि इंतजाम किए गए हैं। तो एक तरफ जहां 5 राउंड खत्म हो चुके हैं, और 5 राउंड में जदयू के कलाधर मंडल सबसे आगे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह दूसरे नंबर पे हैं, और बीमा भारती तीसरे नंबर पे हैं। लगभग बीमा भारती बाहर होती नजर आ रही है, और इसी बीच बीमा भारती काउंटिंग सेंटर पर पहुंचती है। जब उनसे सवाल किया जाता है काउंटिंग को लेकर, तो वो कहती है कि अभी और भी राउंड बाकी हैं और वो आगे आएंगी और जरूर जीतेंगी, और जो भी हो रहा है वो जनता के हित में हो रहा है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना।